अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम दीनी भाइयों को ईद उल अज़हा यानी बकरीद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बकरीद के मौके पर चंद बातों का ख़ास ध्यान रखें। उनमें से अहम बात यह है कि आप जब कुर्बानी करें तो कुर्बानी के जानवर की वीडियो वगैरह हरगिज़ न बनाएं। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी खुले में न करें बल्कि ग्राउंड और चार दीवारी में रहते हुए कुर्बानी करें। नंबर तीन, वो जानवर जिन पर हुकूमत की तरफ से प्रतिबंध है उन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ न करें। नंबर चार, आप कुर्बानी करते वक्त बराबर बराबर अपने गोश्त को तकसीम करें, उसमें ढेरी लगाकर तकसीम करना ये दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से नमाज ईद अदा करते वक्त आप ईदगाह में या मस्जिद के अंदर ही नमाज ईद अदा करें, रास्तों में नमाज अदा न करें। कुर्बानी के जानवर की वो चीज़ें जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती है तो आप उनको आम जगहों पर या ऐसे रास्तों में या सड़कों पर न डालें। एहतियात के साथ जहाँ उनका बंदोबस्त और इंतज़ाम किया गया है वो सारी चीज़ें वहीं पर डालें ताकि किसी को या ख़ुद को भी उन चीज़ों तकलीफ़ न हो। बहरहाल ईद उल अज़हा के मौके पर इन बातों का ख़ास ध्यान रखें। इस पैगाम को शेयर करें।